हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकोगे भैया? आश्रम में जा रहे हो, किन को लेके जा रहे हो आप? इनको लेके जा रहे हो? मेरी माँ है। अच्छा, आपकी मम्मी है? हाँ। भाई आप इनको छोड़ने जा रहे हो, किसी कोई रीजन है आपके पास छोड़ने का इनको? आप इधर एक मिनट, इधर आओ, पहले इधर आओ, साथ में खड़े हो जाओ। क्या लगते हैं आपके कौन कौन है पहले बता दो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग में। वो मेरी वाइफ है, मेरी मॉम है। रिकॉर्डिंग है मैम, होती है यहाँ पे। ये इसलिए रिकॉर्डिंग होती है कि आप जबरदस्ती छोड़ के जा रहे हो या किसी अपने रीजन छोड़ के? पता है हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ा, आप अपने आप से नहीं है, मैं पूछ लेता हूँ ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से जा रहे हैं? नहीं नहीं मैम, पूछ, मैं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है? फोर्स नहीं कर रही भाई, इधर बीच में आ जा, तू भी आ जा, अपनी मर्जी से जा रही है ना। वो देखो मैंने कहा एक मिनट, हेलो हेलो, फोर्स मत करो, मेरे को इनसे बात करने दो, ये कार्रवाई ना बहुत ऊपर तक चली जाएगी फिर, ठीक है? हेलो अम्मा, ये क्या कह रहे हैं आप, अपनी मर्जी जा रहे हो आश्रम में? रो मत मैडम, रो रहे हैं वो, रो रही हैं वो, रो के दिखा रही हैं घर में जो चाल चलन करती है, उनको पता है क्या करती है। ओए शांत हो जा, एक मिनट इधर खड़ा हो, पहले बीच में खड़ा हो के शांत से खड़ा हो जा। मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, मैं ढंग से बात कर रहा हूँ, इधर आओ, बीच में खड़ा हो, पता तो लगना चाहिए ना रिकॉर्डिंग में। मैं इनसे बात करूंगा, आप उसके बाद आप बोल लेना, ठीक है ना? अम्मा आपको जो आप आश्रम में जल लेके जा रहे हैं छोड़ने, तो आप मर्जी से जा रहे हो आप? सच डरना मत। नहीं बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मेरे को छोड़ने आए हैं। मैं अपनी मर्जी छोड़ने आया हूँ। क्या कह रहे हैं भाई? मैं हमारा फैमिली हस्बैंड वाइफ हो ना आप? हाँ। अपनी माँ को रो रही है बेचारी, तुम अपनी जबरदस्ती छोड़ोगे यहाँ पे? क्यों आऊंगी यार, मेरा घर है, हमारी फैमिली आ गई भाई, हमें नहीं रखना इनको। क्या मैम आप बोल सकते हो? नहीं आप बोलो, आप रिकॉर्डिंग में बोलोगे? कैमरा पहले आप, उस गेट के अंदर जाने से पहले ना आपको यहाँ बात करके जानी पड़ेगी। करी नहीं है। हाँ, या तो आप पे रीजन, अम्मा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अभी गिर जाओ। किसलिए रो रही हो? मैं नहीं जाना चाहती, मुझे जबरदस्ती छोड़ने आए हैं, मैं घर में रह रही हूँ। इधर आ गया, आगे हो गए, बीच में खड़ा हो, छुपा मत, तीनों को तीनों आना चाहिए, इसमें पता लगे। नहीं नहीं मैम, ये नहीं, ये वीडियो चल रही ना, कार देखो अभी आप छोड़े चले जाते हैं उसके बेच, औरत रिकॉर्ड तो करी रहा मेरे भाई। क्या लगती है, माँ लगती है ना? ये क्या लगती है तेरी? मेरी वाइफ है। वाइफ है तो आप ये घर में नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। रीजन बताओगे मैम? भैया मैं नहीं रह सकती इसके साथ, रीजन बताइए ना। मेरे को अपनी भी जिंदगी जीनी है, इन्होंने तो जी ली अपनी जिंदगी, ठीक है, मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो आपका फर्ज तो रखना है ना, तो ठीक है मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, सीधी बात है। अरे मैं नहीं रह सकती। वो बात आपकी ठीक है, ठीक है, चलो आप अपना बोल रहे हो, तू बता भाई। जो एक रुपया वो अगली रो रही है, खर्चा देने की बात क्या होती है? तू पैदा हुआ तो खर्चा देकर पैदा करेगा उसने? हमको नहीं रखना ना, हमारा पर्सनल फैमिली मैटर है, हमारा फैमिली मैटर भाई, ये रिकॉर्डिंग चल, फैमिली मैटर नहीं है, इंडिया है, अमेरिका में नहीं जी रहा तू, इंडिया में जी रहा है। रोज के भैया मैं कलेश नहीं चाहता अपने घर में, मैं इसलिए अपनी माँ को छोड़ने आया आश्रम। भाई कलेश तो भाई होगा, तुम फैमिली बन के भी तो रह सकते हो। मैम आपको नहीं रखना चाहती? नहीं रह सकते ना, आपको जबरदस्ती बोल रहा हूँ, क्यों? कितने टाइम हो गए आपको शादी करे हुए? शादी करे हुए, साइड में आ जाओ बाबू, थोड़ा आओ, अभी इधर खड़े जाओ आप, कैमरे इधर इधर उधर ही रहो, इधर उधर ही रहो, तीनों को दिखना है इसके वीडियोस के अंदर, पता लगना चाहिए पब्लिक को भी, तभी भाई वीडियो को शेयर करना चाहिए। मैम अब बताइए, रीजन रीजन भैया इन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, मुझे अपनी जिंदगी जी, मुझे नहीं पता है कब ये है या नहीं है, पूरे टाइम पे खर्चा होता है, हम नहीं रह सकते। मैम खर्चे की बात नहीं है ये ना, आपका घर नहीं है, आपका पहले से इनका घर है, आप बाद में आए हो। नहीं रखना भाई, खर्चे पाने की बात नहीं होती, तेरे को पैदा उसने करा, तूने उसको पैदा नहीं करा, वो तो अगली है, तेरे शादी करके लाया, चल ठीक है, बट आपको तो इनकी सेवा करनी चाहिए, आप इस तरह से कर रहे हो। खुश रह रही थी भाई, वीडियो जो भी जो बंदा देख रहे हैं शेयर करना इनके लिए, इन माँ के लिए शेयर करना, घर में मेरा कोई और इनके लिए भी शेयर करना, इनकी इनकी इनको पता लगना चाहिए पब्लिक को। इनको परेशानी होती है, मैं ये नहीं चाहता कलेश रोज का घर पे, इसलिए मैं अपनी मर्जी से आया हूं। मैं कुछ कहती नहीं, कुछ नहीं कहती, जब मर्जी खाना देते हैं, जब मर्जी फैमिली बना सकते हो ना, ऐसी वो बात नहीं फैमिली। हमने समझाया भी कई बार, नहीं समझी मैं क्या कर सकती, फैमिली और भी तो रह रही है इंडिया में, आप लोग तो थोड़ी हो रही है, ठीक है मैं नहीं रह सकती ना, मेरे जो कंडीशन उस पर ये रहती नहीं है। अच्छा क्या कंडीशन है आपको बता दो मेरे को, मेरे घर में कोई भी आए, कोई भी आए पहले मुंह बना लेगी, मेरी माँ आ गई, मेरी सहेली आ गई, कोई भी आगे पहले मुंह बना लेगी, तो मेरे फैमिली लोग आते हैं तब भी इनको प्रॉब्लम होती है, खाने के लिए पहनने के लिए दे दे। शादी को कितना टाइम हुआ आपके? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आपको, तो आप 3 साल बाद अब आपको प्रॉब्लम होने लगी है? तो मैं अब नहीं रह सकती, मेरे को पहले भैया हमने पहले टाइम भी देख के देखा, उनकी हालत देख के ना लगने लगी आपसे, कुछ कहा ही नहीं है इनको, मेरे को जब